हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बादल एंड मुस्कान, दो बच्चे हमको दिखाई पड़ रहे हैं और बच्चे अभी नहीं आए। पहले तो मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है? बताइए, क्या स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है और मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है आप तक या नहीं? मिस्टर बादल, बताइए। पहुंच रही है सर। ठीक है। मिस मुस्कान, आप बताइए। मिस मुस्कान की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो कह रही कि आवाज आ रही है। यस सर, गाओ। ठीक है। पिछली क्लासों में हमने इंटीजर्स के बारे में जान लिया था कि इंटीजर्स किसको कहते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने इंटीजर्स को रियल लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी बातें कर। रियल लाइन पे आप लोग को याद होगा 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3, डॉट डॉट डॉट, इधर और इधर डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि आप लोगों को हमने बताया था कि जब हम ऐड कर रहे होंगे, एडिशन कर रहे होंगे, तो दो तरह के नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। या हो सकता है हम किसी नंबर में पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो, या हो सकता है किसी नंबर में निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हो। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो रियल लाइन में हम राइट की तरफ मूव करते हैं, और जब हम निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो रियल लाइन में हम। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, ये बात कि हम दो तरह के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे या तो निगेटिव नंबर को। तो निगेटिव, जब हम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लेफ्ट की तरफ, और जब हम पॉजिटिव निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम राइट की तरफ। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में बता दी थी। इसके अलावा अब आप में से बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे, सर जीरो के बारे में क्या कहते हैं? जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, तो जीरो में तो हम किसी नंबर में जीरो ऐड करें तो कुछ ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे बढ़ेंगे। देखिए, अगर 4 + 0 करेंगे तो आप 4 पर ही रहेंगे, समझ रहे हैं? जैसे ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ पर सपोज कीजिए ए पॉइंट है, तो ए किस पर है? 2 पर है। तो अगर आप ए में जीरो जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ए पर ही खड़ा होगा वो, और उसी तरीके से अगर हम ए में जीरो को माइनस करेंगे तो नल लेफ्ट जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे वहीं पे, ए प्लस जीरो वहीं पर रहेगा। मेरी बात सभी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब हम पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे, जैसे अगर हम मान लीजिए इसी में, अगर हम ए में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे 1, 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट a+2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये सब बातें बताए हैं। और अगर यूं ही निगेटिव नंबर को ऐड कर रहे होंगे, a+-2 कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं किसको? -2। -2 एक निगेटिव नंबर है, तो हम किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। 1, 2, तो ये वाला पॉइंट a+-2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है? और उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में आप देखिए, a में हम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2 को, तो हम किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट की तरफ। 1, 2, तो ये वाला पॉइंट a -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है?
और उसी तरीके से अगर हम निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, ए माइनस 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 टू एक निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर को हम ए में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो किसी भी नंबर में से जब निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल लाइन पे हम राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना टू जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ए एक दो ये वाला पॉइंट जो है आपका ए माइनस माइनस टू को रिप्रेजेंट करता है। अभी बस ये पॉइंट क्या है, ये फोर होगा। आप देखिए यहाँ पे टू किस पे था, टू पे था, तो देखिए कैलकुलेट करने के बाद ये फोर आएगा, टू माइनस माइनस टू दैट इज इक्वल टू टू प्लस टू एंड आंसर इज फोर। और हमारा जो नया पॉइंट आ रहा है वो फोर्थ पोजिशन पर है कि नहीं। अगली बात समझ में क्यों नहीं आई, बादल और मुस्कान और भी पांच लोग जुड़ गए हैं, ये बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली, ठीक है ना, उसी को रिवाइज करा रहे हैं अभी, तो हम आगे कुछ बताए भी नहीं। चलिए बताइए आगे बात समझ में सभी को। सर हाँ कहिए, क्लियर कहिए, हमारे हमारे तक क्लियर आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर कहिए जो भी कुछ कह रहा है। यस सर आ गई समझ में। आ गई समझ में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ाया था, याद होगा आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का क्या मतलब होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है कुछ ऐसा। इसमें क्या होता है कि निगेटिव बन जाता है पॉजिटिव, इसे माइनस फोर है और फोर बन जाएगा, और अगर मान लीजिए फोर ही रहा तो भी फोर ही रहेगा, मतलब कि किसी भी कीमत पर पॉजिटिव ही रहना चाहिए, निगेटिव ही चाहिए, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। आ गई बात समझ में। तो हुआ क्या कि आप देखिए कोई नंबर ए है, अगर वो नंबर निगेटिव नंबर है, अगर वो नंबर निगेटिव नंबर है तो आप उससे आगे माइनस लगा दीजिए, जैसे ए मान लीजिए माइनस टू है तो माइनस टू क्या के माइनस लगा दिए क्या बन गया टू। और अगर ये पॉजिटिव नंबर है, अगर ए पॉजिटिव नंबर है, ए कोई भी नंबर हो सकता है या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसको ए ही रहने दिया जाए। आगे बात समझ में, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब सबको समझ में आएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दिया जाए, और जैसे फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो आंसर इज फाइव, लेकिन अगर वही आपको माइनस फाइव का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो आंसर इज फाइव। बात समझ में आ गई ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में देना है, निगेटिव में नहीं देना है। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और आपको हमने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 4.1 करने को, कर लिया है ना एक्सरसाइज 4.1 हमने होमवर्क दिया था। उसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भी था कि सर कैसे सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन जैसे ये था एब्सोल्यूट वैल्यू का, कुछ क्वेश्चन ऐसे था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 माइनस 18 प्लस 12 माइनस 14, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने होमवर्क में किया भी होगा। तो पहले इसको एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आता है तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का अंदर का सॉल्व होता है, तो टू पहले इसके अंदर का सॉल्व होगा 16 माइनस 18 द आंसर इज माइनस 1। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी दिया हो इसका सिंपल मॉडुलस इसको बोलते हैं, इसके मॉडुलस के अंदर का जो चीज है वो पहले सॉल्व होगा। अब इसको ये प्लस आ गया, फिर 12 माइनस 14 कितना हो गया भाई माइनस 2। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिखेंगे, माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 2, मैंने बताया था ये प्लस यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ माइनस 2 का हो गया 2, आंसर हो गया 4। इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क कॉपी में ये क्वेश्चन किया हो। अच्छा होमवर्क से याद आया कि अगर पिछले क्लास में पिछले वाले दिए गए होमवर्क
अगर किसी भी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं आया है या कोई अड़चन आई है, कोई अटकन आई है, तो आप कृपया करके आगे पूछ। सब हो गया क्या? कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि सब लोगों ने सारे क्वेश्चन को कर लिया है। कर लिया क्या आप लोगों ने? यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, दो बच्चे, इन लोगों ने तो पूरा कंप्लीट कर लिया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से किसी की कोई प्रॉब्लम आई है? जैसे बादल हो गई, बादल आपको कोई प्रॉब्लम आया है? मुस्कान, नंदिनी, अंकुश, अमर, ठीक है, इसका मतलब आप सब लोगों ने सारे क्वेश्चन को हल कर लिया। हाँ बताइए, कौन कह रहा है? कौन है सर? सर भाई, सर मेरी, सर मैं नैतिक। हाँ नैतिक बताइए। नैतिक सर मेरी एक भी एक्सरसाइज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आपकी क्लास ही नहीं मिली सर। वो कुछ दिन से आपकी, आपने मेरी एक्सेप्ट नहीं की थी ना। क्या कर रखी थी? मेरे को तो आपकी क्लास नहीं है 20 दिन से। क्या सर? हाँ नैतिक बोलिए, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर मेरे को फोटोज भेज देना, वो ना मेरी एक भी एक्सरसाइज नहीं। एक बार सुन लीजिए, अब जब से टीचमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसकी क्लास तो हमारे पास आप देखेंगे टीचमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आप उसको जाके देख लीजिए वीडियो। और टीचमेंट से पहले तो आप थे, जूम ऐप पे जब चलता था तो क्लास लेते थे कि तब भी नहीं लेते थे? नैतिक इससे पहले, टीच मिनट से पहले जब जूम ऐप पे क्लास होती थी तब आते थे या नहीं लेते थे? एक ही क्लास लगी थी सर, मेरी एक ही क्लास लगी थी। तो पिछला वाला होमवर्क तो आप कर ही लें, मिनिमम पिछला वाला होगा लास्ट, पिछले क्लास को देखकर पिछले वाला की हुआ है तो देख लीजिए, समझ लीजिए देखकर, और उसके बाद ये होमवर्क जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट अपने होमवर्क कॉपी में कर लीजिए। आइए मेरी बात समझ में आपको, बिल्कुल जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी, ठीक है ना? कोई प्रश्न बताइए, कोई प्रश्न हो तो बताइए। मिस्टर है तो बताए, हमें ऐसा लग रहा है कि मिस्टर नैतिक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। थोड़ा सा आप मिस्टर नैतिक को हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ देर में नेटवर्क की आवाज वहां तक क्लियर पहुंचेगी, तब तक हम यहां और बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके हम एक प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे,
और आपको बताना होगा कि वो होता है या नहीं। देखिए एक प्रॉपर्टी हर अलग अलग ऑपरेशन पे है, हमें बताया था चार ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हर ऑपरेशन पे आपको अलग अलग, मतलब एक प्रॉपर्टी एडिशन पे चेक करनी होगी, फिर सब्ट्रैक्शन पे चेक करनी होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन पे, फिर डिवीजन पे। हर एक एक ऑपरेशन पे हर प्रॉपर्टी को एक एक करके आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि जिस ऑपरेशन पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं उसके लिए आप कोई दो इंटीजर लीजिए और जो भी ऑपरेशन आप जिस पे चेक कर रहे हैं वो ऑपरेशन लगाइए, और लगाने के बाद अगर आपको रिजल्ट इंटीजर ही वापस मिल रहा है, इसका मतलब इंटीजर पर, इंटीजर में उस ऑपरेशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, और अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं होती। क्या क्या बोले हम अभी आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एडिशन पे चेक करना है, तो आप इस दो बॉक्स में कोई भी इंटीजर ले, कोई भी, अगर हमेशा इसका रिजल्ट जो भी आए वो इंटीजर ही हुआ, इंटीजर के अलावा कुछ और नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि अंडर एडिशन इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, और अगर इंटीजर के अलावा कुछ भी और आ गया किसी भी दो इंटीजर पे, तो हम कहेंगे अंडर एडिशन इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता। अगली बात समझ में। तो यहां पर आप दुनिया का कोई दो इंटीजर ले लीजिए, आपको ऐड करने के बाद हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पे, तो आप कोई दो इंटीजर हमको बता दीजिए जिसका, जिसको जोड़ने के बाद इंटीजर ना आता, आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर इंटीजर को जोड़ने के बाद इंटीजर ही आता है। देखिए अगर हम दोनों निगेटिव भी ले लें, माइनस टू और माइनस थ्री को जोड़े, तो क्या हो गया भाई, माइनस फाइव आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक है ना। माइनस थ्री क्या है, माइनस फाइव क्या है, इंटीजर है। एक इंटीजर ले ले, एक पॉजिटिव ले ले, तब देखो माइनस वन में प्लस थ्री जोड़े, ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव, तब भी इसका आंसर आएगा टू, जो कि इंटीजर। अब निगेटिव वाला बड़ा ले लो, चलो माइनस थ्री प्लस टू, तो इसका आंसर आएगा माइनस वन, वो भी इंटीजर है। दोनों निगेटिव ले लो, माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव आएगा, वो भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब कि कोई भी दो इंटीजर आप ले लेंगे और आप उसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो आता है उसको सम बोलते हैं, वो सम हमारी इंटीजर होगा। तो एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी तो इंटीजर्स में होता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम इसका सब्ट्रैक्शन पे चेक करने वाले, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की। तो कोई भी दो इंटीजर लीजिए आप और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा, करके देख लीजिए। कोई भी दो इंटीजर आप ले लें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा, कोई ऐसा दो इंटीजर नहीं आप खोज पाएंगे कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीजर ना आता, सही हो गया। मल्टीप्लीकेशन में देखिए, कोई भी दो निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी नंबर को, इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए, हमेशा इंटीजर ही आए। और डिवीजन में लीजिए, माइनस फोर को माइनस टू से डिवाइड किए, कितना आया, माइनस टू आया, आया ना। लेकिन थ्री को टू से डिवाइड करें तब क्या आएगा,
थ्री ऊपर एक पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर हम थ्री को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वन वन आएगा, 1.5 आएगा, डेढ़ आएगा, ये डेढ़ है, 3/2 कुछ और नहीं, 1 whole 1/2 है कि नहीं? 2 1 2, ऊपर रिमाइंडर 1 बचा और नीचे 2, 2 1 2, एक बच गया, 3 में से 2 गया, तो ऊपर गया रिमाइंडर 1 और नीचे बचा 2, तो 1.5, और 1.5 तो इंटीजर होता नहीं, नहीं होता ना इंटीजर, 1.2 इंटीजर होता है, सॉरी 1.5 इंटीजर होता है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नंबर इंटीजर है, -1, -2, -3 इस तरह के नंबर इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नंबर है 1.5, 1 whole 1/2, इसलिए हमको क्या पता चला कि अगर हम यहाँ इंटीजर ले ले और यहाँ इंटीजर ले ले, दोनों को ये वाला ऑपरेशन लगाएं डिवीजन, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो इंटीजर नहीं है, तो इन डिवीजन पे इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। बताइए मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई है या नहीं आई? सर हाँ बोलिए सर, मल्टीप्लिकेशन वाला दोबारा समझाना। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिए आपको इंटीजर मिलेगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, आप अपने मन से बोलिए दो इंटीजर, बोलिए बताइए, 2 और 3, कोई भी दो इंटीजर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 इंटीजर है, बिल्कुल है। आप तो उल्टा पुल्टा और कठिन बोलना चाहिए, दोनों पॉजिटिव बोलिए, आपको तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव बोलना चाहिए कि देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर आता है क्या? नीचे -6 आएगा, इंटीजर है, दोनों के दोनों निगेटिव ले लीजिए तो आंसर आएगा +6, -+ हो जाएगा, 3 + 6 इंटीजर है। अगर एक निगेटिव ले लिए एक पॉजिटिव ले लिए तब भी इंटीजर मिलेगा, दोनों निगेटिव ले लेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा, दोनों नंबर पॉजिटिव ले लेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा, तो कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताते नहीं है, अब समझ में आया? बताएं, जिस स्टूडेंट ने जिस विद्यार्थी ने पूछा था मल्टीप्लीकेशन में, हम उससे जानना चाहते हैं कि उसको अभी समझ में आया कि नहीं, और विद्यार्थी तो पहले ही समझ गए थे, बताइए अभी, बताइए अभी क्लियर हो गया? इस पे हमने टिक क्यों लगाया है कि अभी भी कोई शंका है आपके मन? हम इंतजार कर रहे हैं आपके रिप्लाई का, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, कहिए। लगता है ये आप कुछ नहीं कह रहे, समझ में तो आ ही गया होगा क्या, सिंपल सी बात। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं, और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है, मान लीजिए कोई दो नंबर है और यहां कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं आप, चाहे प्लस लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, इनटू लगा रहे हैं, डिविजन लगा रहे हैं, तो उस ऑपरेशन के इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा या होगा जब हम इस नंबर को ऐसे करें चाहे ऐसे करके करें, जैसे ये वाला पहले ये वाला बाद में,
तो ये वाला बाद वाला पहले करते हैं और पहले वाला बाद में करते हैं, तो दोनों ही पे अगर बराबर आ गया तो उस ऑपरेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बताया मैंने, अभी एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अभी हमको एडिशन पे चेक करना है, अभी मान लीजिए हमको एडिशन पे चेक करना है, तो हम कोई भी दो नंबर को ऐड कर, ये दोनों अलग अलग सिंपल से बना दिए हैं ताकि दो अलग अलग नंबर लेने हैं हमारे, तो क्या ये बराबर ये होगा? मतलब कि कोई दो नंबर लीजिए, जैसे हम दो पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या 2+3 करेंगे, क्या वो 3+2 के बराबर आएगा? सही बात है, आएगा, दोनों में 5 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? दोनों में 5 आएगा। अब हम दो नंबर लेते हैं, अभी दोनों पॉजिटिव ही था, अब हम एक 2 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं, चलिए तो 2+-3 करें और -3+2 करें, तो क्या दोनों में आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सही आएगा। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2-3, यहाँ -1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -3+2, इसका आंसर भी -1 आएगा ना, तो यहाँ पर भी सही है कि एक निगेटिव ले लें, एक पॉजिटिव ले लें, तब भी काम बन जाएगा। अगर दोनों ही निगेटिव ले लीजिए तब देखिए, अगर -2 और -3 ले लीजिए सपोज, तो -2+-3 करें, ऐसे जोड़े, चाहे -3+-2 करके जोड़े, दोनों ही साइड में -5 आएगा ना, दोनों साइड -5 सॉल्व होने के बाद। तो इसका मतलब हम कोई भी दुनिया का कोई दो इंटीजर ले लें, उसको चाहे हम पहला वाला नंबर प्लस दूसरा वाला नंबर जोड़ें या दूसरा नंबर प्लस पहला वाला नंबर जोड़ें, दोनों आपस में बराबर ही होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर तो सच होगी हमेशा, ठीक है, क्या सब्ट्रैक्शन में भी सच होगी? जरा करके सोचिए, कोई भी दो नंबर लीजिए और सोचिए, करो कोई दो नंबर में सब्ट्रैक्शन पर चेक करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा। सारे बच्चे आप भी जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, वो भी अपना कॉपी खोलें और जरा सब्ट्रैक्शन पे हमें बताएं कि सब्ट्रैक्शन पे इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, मतलब अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा, जरा करके सोच के बताइए। हाँ नैतिक बताइए, कोई तो बताए, बहुत छोटी सी बात पूछे हैं। मिस नंदिनी आप बताइए, मिस नंदिनी सर सब्ट्रैक्शन में भी होगी? सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा मिस नंदनी आप बताइए, कुछ नहीं बोलना है आपको? मिस अंजलि आप बताइए, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा क्या? हाँ बताइए, फिर से बताइए, आपकी आवाज नहीं आई है अंजलि। अच्छा अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार और बताइए फ्रेंड्स। सर नहीं, नहीं होगा, अंजलि कह रही नहीं होगा। हाँ आप बताइए,
नहीं कोई जवाब आ रहा है। मिस्टर अमर कर क्या रहे हैं भाई? मिस्टर अमर आप बताइए। मिस्टर अमर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है मिस्टर अमर की तरफ से। अवकुश, मिस्टर अवकुश आप बताइए अपने अपना जवाब, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा? मिस्टर अवकुश भी कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं भाई। मिस्टर बादल आप बताइए, ऐसा लगता है कि मिस्टर बादल भी कुछ नहीं कहे। आप लोग अगर कुछ नहीं कहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको बोलना तो आना चाहिए कम से कम। आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, बोलना आना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। सर नहीं होगा। नंदनी कह रही नहीं होगा। हाँ सचिन, सचिन कह रहे हैं कि इक्वल होगा। हाँ मनीष कह रहे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हाँ है? क्या हो, कम्युनिटी प्रॉपर्टी होगा या मतलब होगा? टिक लगाएं यहाँ पर। यहाँ पे दो स्टूडेंट हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि टिक लगा दो सर, कट मत लगाओ। नंदनी कह रही है कि कट लगाओ, अंजलि कह रही है कि कट लगाओ। मिस्टर अमर, मिस्टर अवकुश और बादल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? ये अच्छी बात नहीं है, कम से कम हाँ ना कुछ बोलो। कुछ बोल ही नहीं रहे। अब कुछ कह रहे हैं कि होगा। देखिए अभी हम चेक कर रहे हैं, कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। 5 - 3 क्या ये 3 - 5 के बराबर होगा? कभी जिंदगी में 5 में से 2 गया 2, 3 में से -5 गया -2, और 2 और -2 आपस में बराबर नहीं है। आई मेरी बात समझ में? उस हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा? कट। कि सब्ट्रैक्शन अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं होल्ड करता है। आई बात समझ में अब कुछ? और जो कह रहे थे यहाँ पर दो और स्टूडेंट थे, वो कह रहे हैं आपको समझ में आया? तो नंदनी और अंजलि जो बोल रही थी कि नहीं होगा, वो बिल्कुल सही कह रही। आई मेरी बात समझ में? क्योंकि कोई भी दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करें और फिर उल्टा करके सब्ट्रैक्ट करें तो हमको बराबर जवाब नहीं मिलता, दोनों अलग अलग जवाब। देखिए यहाँ पर 5 और 3 में ये हो गया ऐसा, तो ठीक है ना? इस तरीके से सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। अब इसी तरीके से आप लोग जरा मल्टीप्लीकेशन पर चेक करके बताइए। सारे स्टूडेंट, क्या मल्टीप्लीकेशन में हम किसी नंबर को, जैसे कि दो नंबर को एक साथ जोड़े फिर दूसरा वाला नंबर और फिर पहला नंबर वाले को मल्टीप्लाई करें, क्या दोनों बराबर आएगा? हमेशा एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया जिसमें हम उल्टा पुल्टा करने पे इक्वल नहीं आया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे कट लगेगा। एक भी जोड़ा हम खोज दिए अगर ऐसा, बताइए। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सही है, यहाँ पर टिक लगाना चाहिए आपको। आपका क्या कहना है? अंजलि कही थी इस बार, पिछले बार ऐसा नहीं थी। अंजलि, अंजलि बताइए आपको यहाँ पर क्या कहना है, कट लगाएं या टिक लगाएं? टिक। हाँ अंजलि, कट लगाएं। एक टिक। टिक लगाएं, टिक लगाएं। अंजलि कह रही कि सही वाला चिन्ह लगाइए। और पिछले बार कौन जवाब दिया था? नंदनी ने बताया था। नंदनी आप बताइए, यहाँ पे कट लगा दें या फिर टिक लगाएं? सही वाला चिन्ह लगाए या फिर गलत वाला चिन्ह लगाए? सर टिक। टिक लगाए। कोई भी नंबर, मान लीजिए -2 और सर टिक लगा दो। टिक लगा दो, बिल्कुल सही। 2 और -2 और 4 ले लिए, तो 4 × -2 करें तो यहाँ भी -8 आएगा और यहाँ भी -8 आएगा। तो तब हम ये जब हम एक निगेटिव के लिए एक पॉजिटिव ले लिए, दोनों तरफ पॉजिटिव ले लेंगे तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। 2 × 2 = 4 और दोनों तरफ निगेटिव ले लें तब क्या होगा भाई? तब देखें, तो दोनों तरफ निगेटिव ले लें तो ये तब 8 आ जाएगा और यहाँ भी 8 आ जाएगा, आएगा ना? अरे बोल नहीं रहे हो, आएगा ना? तो दोनों तरफ 8, तो हमेशा दोनों तरफ
एट ही एट आएगा, मतलब बराबरी आएगा, इसलिए यहाँ पर हम टिक लगा। ठीक है, अगला देखिए डिवीजन पे जरा बताइए। सारे विद्यार्थी डिवीजन पे चेक करके बताएं। अंजलि, अंजलि कह रही है, बताइए अंजलि। क्या आप लोग बताइए, गलती निकला है, गलत है, सर लगाए। जवाब नहीं देते हैं, संकोचिया है, संकोच करते हैं, ऐसी बात है क्या, संकोच करता है, ध्यान ठीक होता है। चलिए बताइए डिवीजन में, देखिए अगर हम दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, फोर को टू से डिवाइड करें और टू को फोर, दोनों आपस में बराबर है, बताइए। फोर को टू से डिवाइड करिए, फोर बाई टू और टू बाई फोर करें, ये दोनों आपस में बराबर आएगा। टू टू जा फोर, टू वन जा टू और टू, तो यहाँ पे तो टू बाई वन आ रहा है और यहाँ वन बाई टू आ रहा है, ये दो है और ये आधा है, दोनों आप बराबर कैसे हो, आधा और दो कभी बराबर हो सकता है, ये तो आधा आ रहा है और यहाँ पे दो आ रहा है, आधा तो दो से बहुत कम है भाई, डेढ़ डेढ़ कम है कि नहीं। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी कह रहे नहीं से बराबर है, अरे कैसे बराबर है, दो और आधा कैसे बराबर हो जाएगा, एक आदमी का हम आधा रोटी खाए, एक आदमी का दो रोटी खाए, दोनों बराबर कैसे खा लिए हैं, आधा वाला तो दो से बहुत कम खाया है कि नहीं, तो उस हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो यहाँ पे हम कट लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। मिस्टर अमर नहीं कुछ कहते हैं, बहुत संकोच करते हैं लगता है, मिस्टर अमर ये तो बादल बोल रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर देखिए, द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इस बार जिस ऑपरेशन पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं उस ऑपरेशन को तीन नंबरों पर लगाते हैं। मान लीजिए प्लस पे चेक कर रहे हैं तो हम तीन नंबरों पर लगाएंगे, फोर टू और थ्री, मान लीजिए इस पे लगाएं, और चाहे आप इन दोनों को पहले ऑपरेट करके फिर ऑपरेट ये करें या पहले वाले को छोड़ दें और लास्ट के दो को ऑपरेट करें, अगर दोनों आपस में बराबर आ गया तो उस ऑपरेशन पे इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस पे होगा उस ऑपरेशन पे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, आइए एडिशन पे बताते हैं। एडिशन में आप चाहे दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने 2 प्लस 3 और माइनस 5 ले लिया, प्लस माइनस 5 ले लिया, सपोज कीजिए दो पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव ले लिया, और यहाँ भी ले लिया 2 प्लस 3 प्लस माइनस 5, तो पहले इनको जोड़ लें, तो यहाँ क्या 5 प्लस माइनस 5 और 5 माइनस 5 दैट इज 0, यहाँ से तो 0 आया। अब कोई बोले कि नहीं हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस 3 माइनस 5 को सॉल्व करेगा तो यहाँ आएगा माइनस 2 और 2 माइनस 2 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, चाहे कोई भी आप इंटीजर ले लें, शुरू के दो नंबर को पहले जोड़ लें फिर तीसरा नंबर जोड़ें, या पहले नंबर को छोड़ दें और दूसरे तीसरे को जोड़ के फिर पहले में जोड़ें, दोनों तरफ से आपको बराबर ही आ रहा होगा, इसलिए अंडर एडिशन तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी एसोसिएटिव होता है इंटीजर। सब्ट्रैक्शन में बताइए, चेक करके सारे जने तीन नंबर लें और जब चेक करें क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये चीजें हो रही हैं,
कोई भी तीन नंबर लीजिए और सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेट करके देखिए, पहले पहले और दूसरे को करिएगा, फिर तीसरा कीजिएगा उसमें ऑपरेट, और दूसरी वाले जगह पे दूसरा और तीसरा कीजिएगा, फिर पहला कीजिएगा। चलिए सारे लोग करें और आंसर बताएं। मिस्टर अमर बताएंगे इस बार, उनका जो है संकोच दूर करना है। बताइए मिस्टर अमर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपका जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएं या गलत का चिन्ह लगा दें? नहीं बताते हैं मिस्टर नैतिक, मिस्टर नैतिक सेम आएगा सर, सेम बोला सेम आएगा। सेम का क्या मतलब, यहाँ टिक लगाएं या कट लगाएं ये बताइए सर। टिक और नंदनी सर टिक मिस अंजलि हाँ अंजलि बताइए एक बार और बोलिए मिस अंजलि टिक लगाए या तरफ का चिन्ह लगाए, पिछले बार आवाज अटक गई थी। ठीक अच्छा, मतलब आप लोगों को ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये चीज सही होनी चाहिए, यहाँ पे एक विद्यार्थी बोल रहे हैं गलत होना चाहिए, और आप तुझे कह रहे हैं मनीष, मनीष कह रहे हैं कि सही, और यहाँ पर दूसरे विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि सर गलत है, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। आइए हम चेक करते हैं, कोई भी तीन नंबर ले लेते हैं मान लीजिए 5, 3 और 2 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ भी कोई तीन इंटीजर ले रहे हैं 5, 3, 2। अब इस बार हम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 2 आया, अब फिर तीसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 माइनस 2 कितना आया भाई 0 आया। अगर यहाँ भी 0 आएगा तब तो ठीक है, अब पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे तीसरे को पहले ऑपरेट करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, तो 5 माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, अब फिर पहले वाले में ऑपरेट करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आया 4, ये दोनों आपस में बराबर है 0 और 4 आपस में बराबर है नहीं, तो क्या समझ में आया एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन जो है इंटीजर एसोसिएटिव नहीं होता, अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में सभी विद्यार्थियों को, नहीं आई नहीं आई तो अभी पूछिए वरना तो हम आगे बढ़े। आ गई मल्टीप्लीकेशन, डिविजन मल्टीप्लीकेशन पे चेक कीजिए सारे लोग, मल्टीप्लीकेशन तो सही होगा अच्छा कर रहे करो, मल्टीप्लीकेशन पे चेक करो, कोई भी तीन नंबर ले लो 2, 3, 4 ले लिया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 2, 3, 4 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपने बराबर आ रहा है 3 × 6 × 4 यहाँ तो 24 आ रहा है, 2 × 3 × 4 = 12 यहाँ पे 24 आ रहा है, बराबरी आ रहा। अगर निगेटिव नंबर भी आप ले लेंगे ना कोई यहाँ पर तब भी बराबर ही आएगा, चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर तीनों पॉजिटिव ले लिए, आप चाहे तो 2 नेगेटिव ले लिए 1 पॉजिटिव ले लिए, एक नेगेटिव ले लिए 2 पॉजिटिव ले लिए, हर बार जो है ये बराबर ही आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन पे तो ये सही हो गया। आइए डिवीजन पे चेक करते हैं, 4 / 2 / 2 कर दिया मान लीजिए, यहाँ पे 4 / 2 / 2 किया, पहले इसको डिवाइड किया तो 4 में से 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 अब तीसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे तो 1 आया, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 को छोड़े पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आया 1, अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4,
आएगा ना 1 4 4, तो ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पे आ गया कट का निशान। मैं हमें उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल संकोच ना करते हुए पूछ लीजिएगा, वरना आपको ये जीवन का नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझिए 100%। और जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर अभी नहीं पूछ रहे, बाद में हम समझ लेंगे, जो अभी नहीं समझा वो कभी नहीं समझेगा, और जो अभी समझ गया वो समझ गया, यही सच्चाई है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, आई मेरी बात समझ में। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते थे आइडेंटिटी। तो भाई एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या थी? जीरो। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या थी? जीरो। और मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 थी, और डिविजन के लिए भी 1 थी। हम बता चुके थे आइडेंटिटी का मतलब, हम समझा चुके हैं लास्ट क्लास में। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं इनरोल हुए थे वो कृपया जाके रिकॉर्डिंग देखें, मैंने वहां पे आइडेंटिटी क्या होता है उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है ना, तो जरूर देख लीजिएगा। अगर अगर आपको जरा भी इसमें दिक्कत है तो आज ही के दिन जाके उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनवर्ट के बारे में भी हमने बताया था, हमें बताया था एडिशन में अगर हम इनवर्ट निकाले 2 का तो माइनस 2 आएगा, है ना, एडिटिव इनवर्ट। अब माइनस 2 का एडिटिव इनवर्ट क्या होगा? बाई 2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट क्या हो जाएगा? 1/3। और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3। जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जिसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और एडिटिव इनवर्स में जस्ट उसका हम निगेटिव ले लेते हैं। 2 है तो -2 हो जाएगा, -2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 4 है तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 है तो 4 हो जाएगा। ये सब बातें हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, और अगर आप भूल गए हैं तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप उस वीडियो को जाकर देखें जो रिकॉर्ड हो गई, वरना भूल जाएंगे, और भूलना तो वैसे भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, पिछली क्लास में पढ़ाए हैं तो नहीं भूलना। चलिए, तो इसके बाद हमने जो है ये सारे प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है, आइडेंटिटी भी देख लिया और इनवर्स भी देख लिया, और ये 3 प्रॉपर्टी तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। ठीक है ना, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बात नहीं पता होगी, तो आप जान लें, इसलिए क्योंकि बहुत बेसिक बात थी कि हमको उम्मीद थी कि आपको ये बात पता होगी, इसलिए हम नहीं डिस्कस किए, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी 2 इंटीजर को कैसे जोड़ते हैं, जैसे 4 में से अगर -2 को जोड़ना है, ठीक है, तो अगर जिसके साइड अलग अलग है 4 -2, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और सबसे बड़ी वाली साइन लगाते हैं, इसका आंसर आएगा 2, और साइन किसकी बड़ी है? प्लस की, तो यहाँ प्लस है। अगर ये बात तो आती होगी, वही अगर हम 2 में -4 को जोड़े तो 2 -4 हो गया, और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसकी लगाएंगे? निगेटिव। आता है ना ये बातें, बताओ आती हैं? ये सारी चीजें तो आप लोगों को होंगे, हमें उम्मीद है कि आती है। उसी तरीके से -2 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, आता है ये बात? पता है, अरे पता है कि नहीं ये बात? और अगर वही -2 × 3 करें तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव आंसर आएगा -6। पता है ना? हाँ तो बोलो पता है। तो हमें उम्मीद थी कि ये बातें आपको पता होगी, इसलिए हमने इन बातों को उतना डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही पिछले क्लासों में आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अगर मान लीजिए -2 में आपका अगर आपको 3 जोड़ना है, तो -2 तो आप ऐसे सीढ़ी समझे, अगर अगर मान लीजिए 0 पोजिशन है, यहाँ पे जमीन है और ये जमीन के नीचे का सीढ़ी है, पानी भरा हुआ है, पानी के नीचे सीढ़ी होता है ना, अब वो -2 पे था, तो वो कहाँ पे था? वो लड़का यहाँ पे था, -1 और -2 पे था। अब उसमें 3 जोड़ा है, 1 2 3
एक मिनट, जहां पे माइनस वन हो गया यहाँ माइनस टू, ठीक है। अब इसमें अपने को तीन जोड़ना है, कितना आएगा भैया? देखिए यहां से आ गया एक, यहां से आ गया दो, और यहां से आ गया तीन। तो ये लड़का चढ़के कहां पहुंचेगा? जीरो पोजीशन पे था, वन पे पहुंचे। और हमको पता है कि माइनस टू में हम थ्री को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? वन आएगा। इसलिए वन आएगा क्योंकि पहले से दो नीचे था, इसलिए वन आएगा। आई मेरी बात समझ में सभी को? अब कोई कहे कि भाई माइनस टू में से माइनस थ्री को घटा, माइनस टू थ्री को घटा दो, मतलब माइनस टू में से और तीन कम कर नीचे कर दो, मतलब माइनस टू में से तीन और कम नीचे कर दो, तो और नीचे चला जाएगा वो, और माइनस कर रहे हैं ना, नीचे चला जाएगा। एक दो तीन यहाँ पहुंच जाएगा वो माइनस फाइव में। आई मेरी बात समझ में? ये तीन और घट जाएगा, एक दो और तीन, तो माइनस फाइव में पहुंच जाएगा। और आप जानते हैं माइनस टू माइनस थ्री कितना आ जाता है भाई? माइनस फाइव। और अगर कोई कहे माइनस टू में से माइनस कर दो माइनस थ्री को, तो जानते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा। ये ऐसे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया बेसिकली। ऐसा क्यों? हम नेगेटिव नंबर जब घटा रहे होते हैं नेगेटिव नंबर में से, इसका मतलब हम और पॉजिटिव से कर पा रहे होते हैं। जैसे आप मान लीजिए पांच रुपए को उधारी है, तो आप का अभी कंडीशन कौन सा है? माइनस फाइव में हो आप, पांच रुपए उधारी लगाओ तो माइनस फाइव पे हो गए ना। अब कोई बोले कि भाई इसमें से हम तुम्हें तीन घटा दो, इसमें से माइनस तीन घटा दिए, मतलब तीन रुपए की उधारी हम घटा दिए, मतलब तीन रुपए की उधारी हम कम कर दिए, तो अपना कहां पहुंच जाएंगे? तीन रुपए की उधारी कम होती किससे पहुंच जाएंगे? माइनस टू पे पहुंच। क्या किया? माइनस फाइव में से हमने बोला कि भाई हमने माइनस तीन रुपए, मतलब तीन रुपए की उधारी तुम्हारी माइनस कर दी, तीन रुपए की उधारी मतलब माइनस थ्री को माइनस कर दी। और ये क्या हो गया भाई? माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस टू, मतलब अब तुम्हारे ऊपर खाली उधारी कितने की बची? दो रुपए की उधारी बची, तीन रुपए की उधारी तो हमने माइनस कर दी। आई बात समझ? इसलिए जब हम निगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम उधारी को घटा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, माफ कर रहे होते हैं। जब उधारी माफ होती है तो हम कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और ऊपर चढ़ेंगे ना। जब उधारी जितना उधारी रहेगा उतना तुम निगेटिव में होते चले जाओगे, जितनी उधारी तुम्हारी माफ होती जाएगी, लगान जो है कम होता जाएगा, वैसे वैसे तुम ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, है ना? ठीक है, चलिए। तो इसलिए ये बातें हमको उम्मीद थी कि आपको पता होगी, इसलिए हम लोग डिस्कस की, और इसीलिए आप सीधे इस पे पहुंच गए। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। सारे बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक खोले एक्सरसाइज 4.2, और जिनके पास बुक नहीं है वो भी घबराए नहीं, हम क्वेश्चन यहाँ पे बताएं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर वन है रिटन में, क्वेश्चन नंबर वन है रिटन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पेज नंबर 28 है। बच्चों को पेज नंबर में दिक्कत आए, पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है। सारे विद्यार्थी खोल लें बुक और देखिए पेज नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर वन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन ईच केस। कि आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए और जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसके बारे में बताइए। तो इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर वन में टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से हम बताएंगे आपको दो क्वेश्चन, बताइए कौन कौन सा बताएं। बताइए, चलिए हम आपको रैंडम दे रहे हैं, 500 बता दे रहे हैं, 700 बता रहे हैं, और चलिए तीन क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, तीन बता दिए, तीन बता देते हैं। फाइव क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, सारे बच्चे देखो बुक में, फाइव क्वेश्चन दिया हुआ है, -63 प्लस व्हाट इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें क्या है,
एडिशन, ठीक है ना। और एडिशन का यहाँ क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी लिखा हुआ है। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। और हमने बताया था कि ऐसा अगर हम एडिशन में आइडेंटिटी एक अगर हम अगर ए पे ऑपरेशन लगाने पर जीरो आ गया, मतलब इसकी आइडेंटिटी आ गई, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो नंबर ए का क्या होगा, इनवर्स होगा। कौन सा इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तैयारी बात समझ में, सब पढ़ा चुके हैं, अगर भूल गया हो तो बहुत बुरी बात है, एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन। तो अगर -63 पे यहाँ जीरो आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर इस नंबर का क्या आया होगा, इनवर्स आया होगा, तभी तो इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आई। अब इस ये ऑपरेशन कौन सा, एडिशन, यहाँ पे कौन सा इनवर्स आया होगा, एडिटिव इनवर्स आया होगा। कौन सा इनवर्स आया होगा भाई, एडिटिव इनवर्स आया होगा। बोलिए समझ में आ रही मेरी बात, एडिटिव इनवर्स आया होगा। और यहाँ पे क्या होगा, -63 के आगे क्या लगा दिया गया है, माइनस लगा दिया गया है। मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है उसके आगे क्या लगा देते हैं, जस्ट निगेटिव लगा देते हैं। -63 का 63 होगा, 63 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -63, ठीक है ना। जिस ऑपरेशन पे उसका आइडेंटिटी आ जाए, इसका आइडेंटिटी क्या है, जीरो। एडिशन का आइडेंटिटी क्या है, जीरो। तो जिस नंबर पे वो ऑपरेशन लगा के उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाए, तो वहां पर इस ब्लैंक में उस नंबर का हम इनवर्स कर रहे होते हैं, उस ऑपरेशन का इनवर्स, मतलब एडिशन का इनवर्स। और एडिशन के इनवर्स को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के इनवर्स को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़ें। आपको 3-4 सेकंड का मौका दे रहे हैं, रोक के पूछ लीजिए। इसका मतलब है आपकी खामोशी बता रही है कि आपको थोड़ा पूरी तरह से बात समझ में आ गई। चलिए खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, -9 × -6 × 5 = -9 × -6 × what। यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, जानते हैं यहाँ तीन नंबर है, कौन कौन से हैं भाई, -6, -6 और 5। पहली बार जो है पहली नंबर को छोड़ दिया गया है, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, और दूसरे में दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तीसरे नंबर को छोड़ा गया। नियारी बात समझ में, कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या दिला रहा है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं याद दिला रहा है, यही तो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी किस में, अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्या बताया था, दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई किया, पहला छोड़ दिया, फिर पहले दूसरे को किया और तीसरा छोड़ दिया। और मल्टीप्लीकेशन में हमने इंटीजर पे देखा था, इंटीजर ने मल्टीप्लीकेशन के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे टिक लगाया था, मतलब सही होता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। आई बात समझ में, अगर सब्ट्रैक्शन होता यहाँ पर, तो यहाँ पे ये नहीं होता, तब गलत हो जाता, क्योंकि सब्ट्रैक्शन अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गलत होता है, इंटीजर करके देख चुके हैं सारी बातें, पर मल्टीप्लीकेशन है, देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती, हमने देखा था, टिक लगाया था हमने, वो सारा टेबल आप लोग के कॉपी में बना लीजिएगा आप, नहीं तो आप भूल भाल जाइएगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए किसी को कुछ पूछ रहा है तो हम समय दे रहे हैं आपको पूछने का, पूछ लीजिए। चलिए इसका मतलब है कि आप लोगों ने समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या लिखा हुआ भाई, 23 × (fill in the blanks) +-13
इज इक्वल टू 23 इंटू माइनस 7 प्लस 23 इंटू व्हाट टू द ब्लैंक। जानते हैं ये एक प्रॉपर्टी हमने आपको नहीं बताई है, वो ये है कि कोई भी दो नंबर तीन नंबर है मान लीजिए ए बी सी, इन दो नंबर को ऐड करके फिर ए में मल्टीप्लाई करें या ए का मल्टीप्लाई इसमें कर ले फिर प्लस बनाए और ये दोनों आपस में बराबर हो। क्या कहा मैंने, जैसे यहाँ पे टू है इसको 3 + 2 करें, ऐड करने के बाद करें या 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर ले और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में बराबर आएगा। देखिए 2 × 3 + 2 करेंगे 5 और 5 दोनों क्या 10, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे देखिए 10 आता है क्या, 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 2 = 4, 6 और 4 कितना आया 10, दोनों आपस में बराबर। क्या कहा मैंने कि कोई दो नंबर को जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करें या पहले नंबर से दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर प्लस बनाए फिर पहले नंबर को दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में बराबर आता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, सर दोबारा समझाना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोबारा समझा दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, तीन नंबर दिए हुए हैं तो कोई लास्ट दो नंबर को जोड़ के पहले नंबर में मल्टीप्लाई करिए या जैसे कोई भी तीन नंबर मान लीजिए ए बी सी तीन नंबर दिया है, ठीक है, लास्ट के दो नंबर को जोड़ें और फिर पहले नंबर में मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा बराबर होगा पहले नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई प्लस पहले नंबर का तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई, ये आपस में बराबर होगा और इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। आगे समझ बात, सिंपल सी बात, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हम प्लस में देखो बांट रहे हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इस मल्टीप्लाई को हम प्लस में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को ओवर एडिशन। देखिए क्या बोला मैंने, बड़े अच्छी बात बोले, मल्टीप्लीकेशन को बांट दे रहे हैं ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर बांट रहे हैं। देखिए इस मल्टीप्लीकेशन को बी के साथ भी बांट दिया और सी के साथ भी बांट दिया, तो मल्टीप्लीकेशन को ओवर एडिशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को ओवर एडिशन बांट दे रहे हैं, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नाम कैसे पड़ा ये भी हम आपको बता दें, क्या हो रहा है भाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट ये एडिशन जो है बी के साथ भी बढ़ गया और सी के साथ भी बढ़ गया, ठीक है। नैतिक समझ में आई बात, आ गई सर। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वो देखिए ध्यान से, सारे बच्चे देखिए यहाँ 23 इंटू यहाँ पे माइनस 7 रहा होगा तभी तो 23 इंटू माइनस 7 यहाँ बढ़ गया है, 23 7 के साथ बढ़ गया है प्लस 23 के साथ बढ़ेगा माइनस 30, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? नो सर। नहीं, चल बड़ी खुशी की बात है। तो तीन क्वेश्चन हमने आपको बताए, बाकी के सात क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं होमवर्क, ये आपका होमवर्क तैयार हो रहा है, ठीक है, आज की डेट का होमवर्क तैयार हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल
पांच, इसमें से हम आपको एक बताएंगे, बताइए कौन सा बताएंगे। यहाँ पे विद्यार्थी बोले थर्ड वाला बताइए। चलिए एक कोई बता रहे, तीसरा ही बता रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ भाई, डिटरमाइन इंटीजर हूज प्रोडक्ट विथ माइनस वन इज, मतलब ये क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे कौन सा इंटीजर लें जिसको मल्टीप्लाई करें माइनस वन से, तो आपका आंसर जो है क्या आ जाए, वन आए। यहाँ पे हम ऐसा कौन सा इंटीजर लें जिसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे वन आए। अगर वन ले कोई बच्चा बोल रहा है तो वन ले लीजिए, तो वन अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, आना क्या चाहिए वन, माइनस वन नहीं आना चाहिए। नंदनी बताइए, नैतिक इस बॉक्स सर माइनस वन, माइनस वन भरिए, तो माइनस वन इंटू माइनस वन जो है वन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया माइनस, आंसर क्या हो गया माइनस। आई बात समझ में। चलिए आपको तीसरा की जगह हम एक और बता देते हैं, कोई भी एक माइनस, पहला क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, इसका लिखा हुआ माइनस थर्टी आना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन है कि हम ऐसा कौन सा नंबर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें कि माइनस थर्टीन आ जाए। इस बॉक्स में कौन सा नंबर, इस बॉक्स में क्या भरें, अरे थर्टीन भरे, थर्टीन इंटू माइनस वन माइनस थर्टीन आएगा, सिंपल है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, इतना दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे कौन ये बॉक्स में हम क्या भरे कि माइनस थर्टीन आए, थर्टीन भरिए, थर्टीन इंटू माइनस वन क्या आएगा भाई, थर्टीन में थर्टीन और साइन प्लस इंटू माइनस का माइनस लगेगा, माइनस थर्टीन, आई बात समझ में। ठीक है ना जी, चलिए तो हमने पहला और तीसरा बताया और दूसरा और चौथा और पांचवा आपको खुद से सोचने के लिए हम दे रहे हैं होमवर्क, लेकिन पहला और तीसरा भी करना है कॉपी में, हम बताते हैं इसका यह हरगिज मतलब नहीं, इसको आप छोड़ेंगे, करेंगे तो पूरा ही, ये तो हम आपको समझाने के लिए समझाते हैं, ये नहीं कि होमवर्क कॉपी में ये नहीं है सर, बोले कि सर आपको बता ही नहीं है, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि हम बता रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि करना कैसे है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री ट्रू और फॉल्स है, इसको हम अभी सामने कर ही देते पूरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग अपने ग्रुप में पढ़िए, जीरो इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ट्रू और फॉल्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या ये बात सही है, जीरो इज मल्टीप्लिकेटिव। नंदनी फॉल्स, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है वन होता है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है जीरो होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वन होता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, बताइए आंसर, सब अभी कराए, लिखा हुआ है इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, कि इंटीजर सब्ट्रैक्शन पे क्लोज होता है। यहाँ पे एक विद्यार्थी कह रहे हैं होता है, आप भी बताइए, नैतिक आप बताइए, मिस्टर नैतिक सर ट्रू, ट्रू यस, इंटीजर जो है सब्ट्रैक्शन क्या एडिशन पे भी क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोज होता है और मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज होता है पर डिवीजन में नहीं होता, क्योंकि हमने दो नंबर ले लिया था फोर और थ्री, दोनों इंटीजर था और दोनों को डिवाइड करने के बाद इंटीजर नहीं मिल रहा था। ठीक है ना,
तो डिवीजन पे क्लोज नहीं होता है, बाकी तीनों ऑपरेशन पे क्लोज होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, बताइए। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर फॉर इंटीजर्स, मतलब इंटीजर में सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव होता है, सही बात है क्या? अभी तो पढ़ा है ये सब, फॉल्स है, बिल्कुल सही। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्शन पे नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन पे जो है कम्यूटेटिव नहीं होता। हमने बताया था कि पाई माइनस थ्री करें और थ्री माइनस फाइव करें, कम्यूटेटिव ये दोनों मतलब अगर इक्वल होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता तो, लेकिन नहीं करता है तो इक्वल नहीं आता भाई। तो ये हो गया फॉल्स। आया फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लिखा हो वन इज एडिटिव आइडेंटिटी, वन इज एडिटिव आइडेंटिटी लिखा हुआ है, सही है क्या सर? फॉल्स। वन इज एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होता है, आई बात समझ में? एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेवन निगेटिव इंटीजर एंड फाइव पॉजिटिव इंटीजर विल रिजल्ट इन ए निगेटिव प्रोडक्ट। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेवन निगेटिव इंटीजर एंड फाइव पॉजिटिव इंटीजर विल रिजल्ट इन ए प्रोडक्ट, विल रिजल्ट इन ए निगेटिव प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है ना, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे 2 × 3 ये 6 आया ना, ये 6 को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ये 6 को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 निगेटिव इंटीजर, कि अगर हम 7 को निगेटिव इंटीजर ले लें, ठीक है, एंड एक बार शांत रहो, एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर और 5 पॉजिटिव नंबर ले, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कह रहा है कि निगेटिव नंबर आएगा क्या? देखिए इसमें एक चीज है समझाने की, वो समझ लीजिए सर, ट्रू। अगर हम निगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कितनी बार? इवन टाइम्स, जैसे -1 को -2 से करें, फिर -3 से करें और फिर -4 से करें। इस निगेटिव नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया? 4 बार, 1, 2, 3, 4। तो ये दोनों निगेटिव मिलकर बन जाएंगे पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड हुआ, तो देखिए -1 - 1 × -2 × -3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पहले -2 आएगा, मतलब निगेटिव में आएगा, उसको छोड़िए, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, फिर इंटू हमको करना पड़ेगा किससे? निगेटिव से, तो क्या आएगा आंसर? निगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर ऑड नंबर जो निगेटिव नंबर ऑड नंबर बार आ रहा है, मतलब ऑड बार आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा प्रोडक्ट, और अगर निगेटिव नंबर कितनी बार आ रहा है भाई? इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, मतलब इवन बार आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 निगेटिव इंटीजर, मतलब 7 क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड है, तो 7 को इंटीजर को जोड़ा गया है जो कि निगेटिव है, तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 बार मल्टीप्लाई किया गया, 7 निगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 निगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा निगेटिव आ रहा होगा। फिर लिखा है एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद पॉजिटिव का तो कितने बार? पॉजिटिव को कितना भी नंबर हो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव ही आता है, बताओ, 4 × 3 × 2 चाहे कितनी बार भी करो, 4 बार करो, 5 बार करो, अगर सारे पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव ही आएगा,
और सेवन नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आया, दोनों को फिर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, रिजल्ट इन ए निगेटिव प्रोडक्ट, रिजल्ट इन ए निगेटिव प्रोडक्ट मतलब निगेटिव प्रोडक्ट आता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। हमें उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, अगर किसी विद्यार्थी को मेरी बात नहीं समझ में आई तो पूछ ले ये ट्रू कैसे आया, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रू जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो हम बदल देंगे आपसे जब हम टेस्ट लेंगे तो, लेकिन ये जो इसके पीछे का लॉजिक है ये समझ में आया कि नहीं, क्या लॉजिक है कि निगेटिव नंबर अगर इवन नंबर बार, इवन बार अगर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर सॉरी माफ कीजिएगा ऑड नंबर, हाँ इवन नंबर बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव आएगा, और ऑड नंबर बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने के बाद निगेटिव में आएगा। यह बात समझने वाली है, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच रहे हैं। क्या लिखा हुआ है 6? -6 + -3 + -2 = -3। ये जो है ये इंटीजर है, इंटीजर ओवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन में, इंटीजर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो। जिनके पास बुक नहीं है उनको मैं बता दूं, क्या कर रहे हो तुम लोग, एकदम शांति से बैठो, तुम यहां पर आओ। अच्छे से शांति से पढ़िए, ठीक है, नहीं पढ़ने का मन तो चले जाइए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बच्चे बड़े शरारत कर रहे हैं आपके, जो बच्चे यहाँ पे मनीष है, कौन है तेरा, क्या नाम तुम्हारा है, रोहित कुमार। चलिए देखिए कोई बात नहीं, हम ये क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे थे, सॉरी 6 बता रहे थे, ट्रू क्वेश्चन नंबर 6 जिनके पास बुक नहीं है उनको बता दें, वो लिखा हुआ है -6 + -3 + -2 ये बराबर लिखा हुआ है किसके, ब्रैकेट में लिखा हुआ है -6 + -3 और +-2। जानते हैं इसमें तीन नंबर है -6, -3 और -2, पहले इन दोनों इन 6 को छोड़ा गया, इन दोनों को जोड़ा गया तभी यहाँ ब्रैकेट लगा है, और दूसरी बार में इन दोनों को जोड़ा गया है और -2 को छोड़ दिया गया है, इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अंडर एडिशन इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, उसके हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन के, एडिशन में इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें नहीं होता था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसमें नहीं होता था, किस ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता था, देखिए कौन बताएगा सर, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, एकदम सही नंदनी ने एकदम सही बताया, हाँ क्या, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं होता है, हम करके देख चुके हैं यही सब बातें, देखिए नंदनी ये सब एग्जाम में आया कर लेंगे, आप लोग भी इसको देखिए समझिए, ठीक है, यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं ये, सीख ही नहीं रहे, सीखोगे नहीं तो एग्जाम में कैसे करोगे, अभी देखो मिस कर गया नहीं बता पाए, यही बात अच्छे से बैठ के सुने होते तो इसका जवाब दिए होते, यही पर ध्यान से सुने तो दिए होते, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन पे नहीं होता है इंटीजर में, बताओ ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें नहीं होता है, आप लोग बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस ऑपरेशन पे नहीं होता है सर, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, आप बताइए, आप लोग बताइए, माइनस क्या बोलते हो, सब्ट्रैक्शन बोलो, ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए, अब ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यह है क्वेश्चन नंबर 7, 5 - 7 - 2 इज इक्वल टू 5 - 7 - 2, ये सब्ट्रैक्शन एंड एसोसिएशन अंडर सब्ट्रैक्शन चेक कर रहा है, ये तो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से, क्यों, क्योंकि इंटीजर है, कौन कौन से इंटीजर है, 5 है, 7 है और 2 है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरे बार में 5 को छोड़ रहा है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर 5 ला रहा है, मतलब किसकी बात हो रही है, कि हम से देख रहे हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन के अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये नहीं होती है, ये बराबर नहीं आता था, आप चाहे तो सॉल्व करके भी देख लीजिए, हम तो बिना सॉल्व किए ही अपनी प्रॉपर्टी से बता देंगे, 5 - 7 कितना आ जाएगा भाई, -2 फिर -2 करेंगे, -2 - 2 कितना आ गया, -4, आइए इसको सॉल्व करते हैं, 5 - 7 - 2 कितना आएगा, 5, और 5 - 5 कितना आया, 0, ये दोनों आपस में बराबर है क्या, यहाँ तो बराबर लिखा हुआ है जबकि बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ, और ये कितना हो गया, फॉल्स हो गया, सही बात समझ में कि नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो पूछे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ पूछना है तो पूछ लिए, हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको हम समय देते हैं पूछने के लिए, फिर दे रहे हैं, पूछना चाहें तो पूछिए, चलिए इसका मतलब क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी 1, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी 1, मतलब कि किसी इंटीजर में उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ा जाए, एक आएगा आंसर, सही है कि गलत है, अंदाजे बता रहे हो कि सोच के बता रहे हो, अंदाजे से बता रहे हो कि सोच के बता रहे हो, क्या सोचे, क्यों सही है बताओ जरा, हैं? कोई भी इंटीजर का इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तुम बताइए, आप बताइए, अरे बोलिए, जैसे उस नंबर का निगेटिव 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4, और -4 का क्या होगा, 4, तो बस उसके आगे क्या क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया, जस्ट उस नंबर का निगेटिव, मतलब उसके आगे एक निगेटिव लगा दिया, तो अगर हम कोई भी नंबर लें, मान लीजिए 4 ही लेते हैं, और उसका सम निकाले उसके एडिटिव इनवर्स से, सम मतलब कि जोड़ने के बाद क्या आएगा, अगर -4 से ऐड करेंगे तो क्या 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये क्या हो, यहाँ क्या लिखा है कि द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, मतलब किसी इंटीजर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद जो सम आएगा, जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ये कह रहा 1 आएगा, गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, कोई भी नंबर है उसके एडिटिव इनवर्स में उसको जोड़ के उसका सम निकाला जाए तो 1 आ रहा है, यहां पर तो लिखा है कि विल बी 1, गलत कह रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, सारे विद्यार्थियों को समझ में आया मेरी बात, ये फॉल्स है, क्या है कि अगर किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स से जोड़ा जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आती है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर में उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और वो क्या होता है, 1, किसी भी नंबर 1/4 में,
अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें, 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 4/4 मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहा कि किसी भी नंबर में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है जो कि 1 है, और किसी भी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स से सम करें जोड़ें तो आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि क्या होता है, एडिटिविटी क्या होता है, 0। अभी आई बात समझ में कि नहीं, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अच्छा आप लोगों में से सबको समझ में आया कि नहीं, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, समय दे रहे हैं हम पूछने के लिए। ठीक है आ गया क्वेश्चन नंबर 9, देखिए सारे बच्चे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और फिर सोच के बताना ट्रू फॉल्स, अंदाजे से नहीं, यहाँ पर जो मनीषा अंदाजे से बता दे रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बता चुके हैं, बता चुके हैं ना, बनते नहीं हूं, बता चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ध्यान ही नहीं पड़ता है इनका। मैंने क्या बताया, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगा, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 होगा, क्या बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कोई भी नंबर हो अगर वो निगेटिव नंबर हुआ तो उसे आगे माइनस लगा दो, और अगर पॉजिटिव हुआ तो वही नंबर होगा। भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देंगे तो इसी भूलेंगे। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर विल आइदर बी, लिखा हुआ है विल आइदर बी greater than और अब हमको जगह नहीं है तो हम यहां आगे लिख रहे हैं, और इक्वल टू द इंटीजर। बताइए ट्रू है या फॉल्स है, समय दे रहे हैं आप लोग करने का। बताइए क्या समझ में आया आपको, क्वेश्चन पढ़ के पहले तो ये बताइए क्वेश्चन पढ़ के समझ में क्या आ रहा है। तुम्हारे क्या समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के, ट्रू और फॉल्स में कौन सा बड़ा बताना है, अरे कोई स्टेटमेंट होगा ना, कौन सा बड़ा क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स में इसका अंतर आएगा, कोई वो नंबर आएगा, तुम बोल रहे हो नंबर बताना है, नंबर कैसे बताना है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। आप में से कोई विद्यार्थी अगर आप लोग यहाँ होते इस क्लास में तो मैं आप लोग को टॉपिक दे दिया होगा, अगर इसका जो बता दे, फिर भी अभी ऑनलाइन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसी शाबाशी ले लीजिएगा, कोई एक विद्यार्थी मुझे इसका मतलब समझा दे ये क्या कह रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर विल आइदर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीजर। नैतिक नंदनी आप इसका मतलब पहले समझा दीजिए इस क्वेश्चन का। सर इसका मतलब जो सर किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू, सर किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो या तो उससे बड़ी हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है। एकदम सही, वेरी गुड, नंदनी ने एकदम सही बताया, देखा ध्यान दे रही नंदनी, लिखा हुआ है, अब देखो ध्यान से तुम लोग देखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर,
मतलब हम कोई भी इंटीजर लें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, लिखा है वो विल आइदर बी, या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, ये सही है या गलत है। आइए कोई भी इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वही 4 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। या हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं -4, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें क्या आया 4, तो वो -4 से बड़ा है ना कि छोटा है, बड़ा है, तो ये कह रहा है या तो बड़ा आएगा या तो बराबर आएगा, तो दो ही कंडीशन है, अगर नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तब तो बराबर आ जाएगा, और अगर नंबर निगेटिव हुआ उसका एब्सोल्यूट वैल्यू उस नंबर से बड़ा होगा, बोलो बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह नंबर निगेटिव में होगा और एब्सोल्यूट निकालने के बाद पॉजिटिव होगा, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर विल आइदर बी, या तो बड़ा होगा या तो बराबर, छोटा कभी नहीं, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, उल्टा करिए, किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, अगर लिख दे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज लेस देन द नंबर, उस नंबर से छोटा है, कभी जिंदगी में एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा नंबर से बड़ा ही होगा, छोटा कभी भी नहीं, किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नंबर से छोटा हो सकता है, निगेटिव पर जब एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर निगेटिव से बड़ा नंबर होगा ना, और अगर पॉजिटिव लेगा तो वही नंबर आ जाएगा, 5 लिए तो 5 भी आ जाएगा, छोटा कभी नहीं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। समय कितना हो रहा है, समय तो अब हम लोग को इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि समय हो चुका है, 2 बज गए, ठीक है, हम चाह रहे थे कि और भी चीजें हम पढ़ लेते, पर कोई बात नहीं, हम आगे कर लेंगे, लेकिन आप चाहें तो 4.3 प्रयास कर सकते हैं खुद से, आप करें तो अच्छा है। हमने बता दिया, देखिए हमने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ बता दिया था, आपके एक्सरसाइज में पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाद में दिया, और हमने चारों का एक साथ बता दिया था, ठीक है ना, तो हमने कर दिया है, बस एक्सरसाइज नहीं किया है, जो बातें थी वो पूरी बता दी, तो आप चाहें तो आगे एक्सरसाइज अगर आपसे कोशिश करना चाहें तो करें, वरना ये जो वाला एक्सरसाइज है 4.2 ये तो आपको अनिवार्य है, ये तो आपको करना ही करना है आज की डेट में, मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की चाहत है, कोई अगर वो चाहता है कि आगे हम करें, तो मेरी तरफ से इजाजत है, वो आगे भी कर सकता है, अगर उससे क्वेश्चन हल हो रहे होंगे तो, और हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बातें हमने आपको बता दी, अगर आप अपनी सूझबूझ से कर ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम आगे कल अगली क्लास में कराएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई विद्यार्थी ये ना कहे कि 4.2 नहीं हुआ, 4.2 आपको कंप्लीट करके आना है, 3 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हमने आपको पूरा ही बता दिया, लेकिन इसको हम मिटा दे रहे हैं, कोई भी इसको देखेगा नहीं, एक बार खुद से जो है ट्रू फॉल्स समझ के करेगा, ठीक है, हम समझा दिए, और ये सारे पहला और दूसरा क्वेश्चन तो करना ही करना है। चलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है, या कोई पढ़ाई के अलावा भी कुछ बातें कहना चाहता है, क्लास से कोई समस्या आ रही है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, या टाइमिंग, या कॉपी से रिलेटेड की कॉपी क्या करें क्या नहीं, जो नहीं बनाए वो अभी पूछ ले, हम अभी उसको बता देते हैं। सर बताइए सर, 4.2 में लॉन्ग आंसर टाइप तक करना है, जितना हम बताए हैं उतना करना है, ओके सर, 3 क्वेश्चन हमने बताया ना आपको, पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन आपको करना, फिर मैंने जैसे नंदनी बोला कि अगर आप आगे कर पाए, अगर आपको लगा हमसे हो जाएगा तो कर लेना है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन करना जरूरी है, अब इस पे कोई ये नहीं कहेगा स्टूडेंट कि ये 3 क्वेश्चन हमसे नहीं, क्योंकि ये तो हम बताएं, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि हमसे नहीं, बल्कि हमने आपको बताया है कि कैसे करना, अगर आपसे आगे का क्वेश्चन नंदनी बन रहा है तो आप बनाइए,
वेल एंड फाइन, आप कर लीजिएगा ये एक्सरसाइज अगर आपसे हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा, और अगर आपको मन नहीं है कि नहीं करने का मन है तो भी कोई बात नहीं हमारा, क्योंकि हम कह नहीं सकते ना आपकी ड्यूटी, हमने बताया नहीं तो हमारे ऊपर ये अभी लागू नहीं हुआ ये अथॉरिटी के हम वो कह पाए। जब हम पढ़ा लेंगे तब तो हम हक से कहेंगे ये क्वेश्चन करना ही है क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, जैसे हम 1 2 3 कह रहे हैं ये तो आपको करना ही है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई बंदनी? यस सर। जितना भी इसके आगे वाला एक्सरसाइज अगर आपसे बन रहा है तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हम बताएंगे, ठीक है, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। लेकिन 1 2 3 तो हमारी तरफ से हो गया, तो आगे कोई स्टूडेंट ये नहीं कह पाया कि सर 1 2 3 हमसे नहीं हो, मतलब हम फिर से पढ़ा दो, फिर से हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये हो गया कंप्लीट। एक बार अब जो है टीच मीट लाने का यही मकसद है, टीच मीट में एक बार जो हम चीज कंप्लीट करा देंगे ना वो हम कंप्लीट करा देंगे। कोई स्टूडेंट आके बोलेगा कि सर हम पिछले वाले क्लास में नहीं थे फिर से पढ़ा दो, तो हम नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड वाला जाके दे। आ रही बात समझ में? तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया 1 2 3, ये हम नहीं करा, अब हम इसके आगे से ही कराएंगे, जब भी कराएंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम इस क्लास को यही समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।